सब्सक्राइब करिए जीके मास्टर को और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके मास्टर। दोस्तों, आज जीके मास्टर के इस वीडियो में साइंस जीके की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट सेंसर ऑर्गन से ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो के बाद ह्यूमन आई यानी मनुष्य के आंख से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम आई के मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, तो बस आप इसे एंड तक देखिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी को, अगर आप हमारे चैनल जीके मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जीके मास्टर की सारे न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मानव नेत्र हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील ऑर्गन है। मानव नेत्र शरीर का वो अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। हमारी आंख वो इंद्रिय है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। दोस्तों, मानव नेत्र लगभग 1 करोड़ रंग में अंतर कर सकता है, क्लियर। दोस्तों, मनुष्य के आंखों को 3 भागों में बांटा गया है, एक है कॉर्निया, दूसरी है कंजुक्टिवा और तीसरा है कोरोयड। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये आंख के बाहरी हिस्सा है। बाहरी हिस्सा में आपको सिर्फ कॉर्निया और कंजुक्टिवा के बारे में जानकारी मिल सकता है, पर जो कोरोयड लेयर है उसके बारे में जानने के लिए हमें आंख के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदरूनी भाग के बारे में समझना होगा। तो दोस्तों, पहले आप ये समझ लीजिए, कॉर्निया जो होती है वो आंख के सबसे सामने के भाग को कहते हैं, क्लियर। यह स्वच्छ होता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इससे आंसू से ऑक्सीजन और खाना मिलता है। और हमारे शरीर का कॉर्निया एक ही टिश्यू है जिसे रक्त की आवश्यकता नहीं होता है, और कॉर्निया को हम नेत्र पटल भी कहते हैं। देन कंजुक्टिवा, कंजुक्टिवा आंखों के सबसे बाहरी स्तर को कहते हैं, जिससे कि आंसू बनते हैं, इसमें इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकता है। दोस्तों, ये कॉर्निया और कंजुक्टिवा के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर में भी देखेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में आंख कैसे दिखता है। दोस्तों, हमारे आंख बाहर से इस तरह दिखता है, पर उसकी जो अंदरूनी बनावट जो होती है वो कुछ इस तरह दिखता है, क्लियर। अब हम इस डायग्राम के जरिए आंख के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आती है, क्लियर। तो देखिए दोस्तों, अभी हम जो पढ़े थे कॉर्निया के बारे में, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट को कॉर्निया कहते हैं, ये व्हाइट का। अगला है आयरिस, आंख के वो हिस्सा है जिसमें रंग होता है। आयरिस कॉर्निया के नीचे होता है और हमारे आंख में लाइट्स यानी रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये देखिए, ये जो कॉलर पार्ट है, ये देखिए मैं यहां पर दिखाता हूं, ये जो कॉलर पार्ट है इसे बोलते हैं आयरिस, जो कि आयरिस कंट्रोल करता है हमारे आंख में लाइट्स कितने मात्रा में जाना चाहिए। अगला है प्यूपिल, जो आयरिस के बीच छेद को कहते हैं प्यूपिल। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं आयरिस के बीच में, मैं इसे इरेज कर देता हूं, ये ब्लैक कलर को बोलते हैं प्यूपिल, और उसके चार भाग जो कलर पार्ट है वो है आयरिस, क्लियर। और इसी प्यूपिल के जरिए लाइट एंटर करता है हमारे आंख में। अगर अंधेरा होती है तो आयरिस सिकुड़ जाती है, यानी अगर लाइट कम होती है तो ये जो पार्ट है आयरिस वो सिकुड़ जाती है और प्यूपिल बड़ा हो जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक रोशनी आंख में प्रवेश कर सकता है। और अगर बहुत अधिक रोशनी होता है तो आयरिस फैल जाता है और प्यूपिल छोटा हो जाता है, जिससे कि कम से कम रोशनी आंख में प्रवेश कर सकता है, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, अगला है लेंस, ये प्यूपिल के बिल्कुल पिछले भाग में होता है। ये देखिए, यहां पर अगर प्यूपिल होता है तो इसके पिछले भाग में जो होता है वो लेंस होता है, और ये किसी कैमरा का लेंस जैसे होता है और पास या दूर के चीजों को देखने में मदद करता है। दोस्तों, 40 साल के उम्र के बाद सभी का लेंस सख्त होने लगता है, जिससे कि फोकस करने में दिक्कत होता है, और इसी लेंस में सफेदी होने से देखने में दिक्कत होता है, और उस डिफेक्ट को कैटरैक्ट कहते हैं, यानी कैटरैक्ट का मतलब है मोतिया बिंदु।
दोस्तों अगला है सिलियरी मसल। ये है सिलियरी मसल, इस पार्ट को सिलियरी मसल कहते हैं। इसका काम क्या है, यहां लेंस को सही जगह पर जमा के रखता है और लेंस को फोकस करने में मदद करता है। साथ ही में यह एंटीरियर चैम्बर स्थित एक्यूस ह्यूमर को बनाता है और इस एक्यूस ह्यूमर से लेंस और कॉर्निया को ऑक्सीजन मिलता है। दोस्तों ये जो एक्यूस ह्यूमर है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि सिलियरी मसल जो है वो एक्यूस ह्यूमर को बनाता है, जिसके खातिर लेंस और कॉर्निया को ऑक्सीजन और खाना मिलता है। दोस्तों अगला है सस्पेंसरी लिगामेंट। यहाँ लेंस को सहारा देने का काम करता है। ये जो दो साइड में है लेंस का, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या करता है, लेंस को सहारा देने का काम करता है। दोस्तों अगला है ऑप्टिकल डिस्क। देखिए यहां पर होता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। जितने भी नर्व्स होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है ब्रेन में इसी के जरिए। क्लियर। यह क्या करता है, यहां से ऑप्टिकल नर्व आंख से दिमाग के लिए निकलता है। यहां पर कोई भी रोशनी पहुंचने के लिए सेल नहीं होता है और इसे यहां पर कुछ नहीं दिखाई देता है। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो अगर क्वेश्चन आएगा हमारे आंख में ब्लाइंड स्पॉट कहां पे होता है, वो ऑप्टिक डिस्क में होता है। दोस्तों अगला है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ये जो रेड और ब्लू की दिख रहे हैं ये नर्व्स की तरह, ये है ऑप्टिक नर्व। ये क्या करते हैं, जो आंख में देखी गई छवि को दिमाग तक लेके जाती है और यह रॉड्स एंड कोन से संकेत लेकर मस्तिष्क को भेज देती है। क्लियर। अब ये रॉड्स और कोन्स क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगला है मैकुला। यहां मैकुला के बाहरी भाग को कहते हैं मैकुला। ये देखिए ये जो चारों तरफ बाहर के हिस्से को कहते हैं मैकुला, बीच को नहीं बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, यहां पर किसी चीज को साफ से देखने में मदद करता है या किसी चीज को फोकस करने में मदद करता है। कुछ लोगों में बुढ़ापे में एक बीमारी होती है जिसे अक्यूट मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं और इसमें अंधापन हो सकता है। दोस्तों अगला है वेरी इंपॉर्टेंट फोबिया। दोस्तों फोबिया क्या है, जो मैकुला के सबसे बीच भाग को मैकुला बोलते हैं। ये देखिए ये चारों तरफ मैकुला और इसके बीच में जो ये है इस हिस्से को बोलते हैं फोबिया। तो ये क्या करता है, दोस्तों यहां पर सबसे साफ दिखाई देता है। सर्फेस विजन जो होता है वो फोबिया में होता है, सबसे साफ दिखाई दे, जैसे कि पढ़ने में या टीवी देखने में। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट रेटिना। ये बहुत इंपोर्टेंट, इसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों आंख के पीछे स्थित पर्दे को कहते हैं रेटिना। ये जो पिछले भाग में ये जो लेयर दिख रहा होगा येलो कलर की, इसे बोलते हैं रेटिना। तो इसका काम क्या है, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। क्या है, रॉड्स एंड कोन्स, और यही रॉड्स एंड कोन्स को ऑप्टिक डिस्क मस्तिष्क को भेजता है। क्लियर। ये जो रॉड्स है अंधेरे में दिखने में मदद करता है। आप देख रहे होंगे ये जो रॉड्स के सामने है व्हाइट और ब्लैक और कोन्स के सामने कलरफुल है। तो हम क्या सीखे, रॉड्स आपको अंधेरे में दिखने में मदद करता है और यह सफेद और काला में अंतर बताता है, और कोन्स जो होता है रंग को देखने में मदद करता है। क्लियर। तो आपका क्लियर हो चुका होगा अभी रॉड्स और कोन्स क्या होता है, वो कहां पर पाई जाती है, रेटिना में। अगला है कोरोइड। दोस्तों कोरोइड जो होता है यह आंख के बीच का स्तर होता है, मतलब ये जो लेयर है आप देख रहे होंगे बैंगनी जैसे येलो के ऊपर वाले हिस्सा को बोलते हैं कोरोइड, जो कि बीच वाले का स्तर बोलते हैं आंख के। और इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें रेटिना को ऑक्सीजन और खाना मिलता है। क्लियर। तो रेटिना को ऑक्सीजन कौन देता है, कोरोइड। दोस्तों अगला है स्क्लेरा। दोस्तों आंख के सफेद बाहरी स्तर को कहते हैं स्क्लेरा, जो कि एक कवच की तरह अंदर की चीजों को संभल कर रखता है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं इस व्हाइट हिस्से को, इसे बोलते हैं स्क्लेरा। क्लियर। इसे बोलते हैं स्क्लेरा और इस कलरफुल पार्ट को बोलते हैं आइरिस। और इस बीच को बोलते हैं ब्लैक होल को प्यूपिल। क्लियर। व्हाइट को बोलते हैं स्क्लेरा
और इस कलरफुल को आइरिस, देन ब्लैक होल को बोलते हैं प्यूपिल। दोस्तों ये जो स्क्लेरा में आंखों को सभी तरफ से घुमाने के लिए 6 ऑर्बिटल मसल इसे जुड़े होते हैं। कितने होते हैं? 6 ऑर्बिटल मसल। दोस्तों अगला है कंजुक्टिवा। यहां पे होता है कंजुक्टिवा, ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे बिल्कुल बाहरी हिस्सा को बोलते हैं कंजुक्टिवा। ये क्या करता है? आंखों के सबसे बाहरी स्तर को कहते हैं जिससे कि आंसू बनते हैं। दोस्तों हम आंख के इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम डिस्कस किए। अभी हम आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। इस डायग्राम को मैं इसे इरेज कर देता हूं, इसे आप याद रख लीजिए कहां पर कौन सा ऑर्गन होते हैं आंख के। ये है कॉर्निया और कॉर्निया के पिछले हिस्से में रहता है आइरिस, एंड देन आइरिस के बीच में रहता है प्यूपिल, प्यूपिल के बीच रहता है लेंस। तो इसी तरह आप याद रख लीजिए इस डायग्राम को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे तभी एक्यूस ह्यूमर को हम जानने के लिए बात किए थे। तो एक्यूस ह्यूमर क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों ये है एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर जो है इस पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। इसमें क्या होता है? एक्यूस ह्यूमर। क्या होता है? एक्यूस ह्यूमर। और एक्यूस ह्यूमर लेंस और कॉर्निया को ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता है, और ये एक्यूस ह्यूमर सिलियरी बॉडी से बनता है। अगर किसी कारण से एक्यूस ह्यूमर का बहाव जम हो जाता है तो आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे ग्लाउकोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाउकोमा। देखिए एक्यूस ह्यूमर जो होता है, अगर आंख में उसका बहाव जाम हो जाता है तो आंखों का यहां पर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लाउकोमा। क्लियर? देन ये है विट्रियस ह्यूमर। ये देखिए ये लेंस से और रेटिना के बीच में होता है विट्रियस ह्यूमर। वो क्या होता है? पोस्टीरियर चैम्बर में होता है। जैसे एक्यूस ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर में होता है, ऐसे ही विट्रियस ह्यूमर पोस्टीरियर चैम्बर में होता है। कुछ बीमारी में या बुढ़ापे में यह सिकुड़ जाती है, उसे विट्रियस डिटैचमेंट कहते हैं। कभी कभार इसके साथ साथ रेटिना भी खींच जाता है और उससे अंधापन हो सकता है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि हमारे आंख में किस प्रकार के डिफेक्ट पाई जाती है और उस डिफेक्ट को सही करने के लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस अब करेंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उसको डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि हमारे जो आंख होता है वो किस तरह का इमेज बनाता है। ये देखिए ये है इमेज, ये है एक्चुअल इमेज, और हमारे आंख में जब जाता है इमेज तो वो रेटिना में कुछ इस तरह इमेज बनाता है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। पर ये जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑप्टिक नर्व के जरिए मस्तिष्क को जाता है तब ये इमेज करेक्ट हो जाता है। क्लियर? दिस इज फाइनल इमेज। अभी आप समझ गए होंगे कि आंख के इमेज किस तरह बनता है। तो अभी हम जानते हैं डिफेक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए आंख में एक डिफेक्ट होता है मायोपिया, जिसे नियर साइटनेस भी कहते हैं। दोस्तों आप इस मीनिंग को समझिए, नियर साइटनेस, यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप पास के चीजों को नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब है आप पास के चीज को अच्छे से देख सकते हैं पर दूर का नहीं देख सकते। दिस इज कॉल्ड मायोपिया। इसका मैं डेफिनेशन बता देता हूं। इसमें क्या होता है? पास की चीज जो होती है वो क्लियर दिखती है और दूर की चीज देखने में दिक्कत होती है, जो कि मायोपिया डिफेक्ट का साइन है। इसमें क्या होता है? जो फोकस रेटिना में पड़ने से इमेज बनता है वो क्या होता है? रेटिना से पहले फोकस बन जाता है। दूर की चीज देखने से इससे क्या होता है? ऑप्टिक नर्व को सिग्नल नहीं मिलता है और इससे इमेज नहीं बनता। तो इससे करेक्ट यानी मायोपिया डिफेक्ट को सही करने के लिए कॉनकेव ग्लासेस का जरूरत होता है। उससे फोकस फिर से रेटिना में बनने के साथ साथ ऑप्टिकल नर्व को सिग्नल मिलता है जो बाद में ब्रेन को भेज देता है। देखिए कॉनकेव मिरर जो होता है कुछ इस तरह को दिखता है, उसका मिडिल पार्ट, कॉनकेव का मिडिल पार्ट जो होता है वो थिन होता है, पर एंड की पार्ट जो होता है वो थिक होता है, यानी मोटा होता है। तो मायोपिया इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। इसे आप ध्यान से देखिए, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
देखिए दूसरा है हाइपोमेट्रोपिया, जिसे फार साइडनेस भी कहते हैं, जो कि मायोपिया का बिल्कुल उल्टा है। इसमें दूर के चीज क्लियर दिखता है पर पास के चीज नहीं दिखता है। यहां पर देखिए इसकी जो फोकस है वो रेटिना के पीछे बनता है, पर मायोपिया में जो होता है रेटिना के आगे बनता था, इसलिए कॉनकेव ग्लासेस की जरूरत होता है। पर यहां पर करेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर, जो कि कन्वर्ज करेगा। दोस्तों कॉनकेव जो होता था वो अपनी फोकस पॉइंट को डाइवर्जिंग करके रेटिना को भेजता था, यानी यहां से यहां तक लेता था। पर हमारे जो कॉन्वेक्स ग्लासेस है वो क्या करता था, रेटिना के पीछे वाले जो फोकस है उसे कन्वर्ज करके आगे ले आता था, क्लियर। तो कॉनकेव जो होता है वो होता है डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसे करेक्ट करते हैं कन्वेक्स ग्लास के जरिए। दोस्तों अगला डिफेक्ट है एस्टिगमेटिज्म। ये क्या होता है, ये बुढ़ापे में पाई जाती है, जब लेंस की जो विकृत हो जाता है, मतलब लेंस जब वार्प हो जाता है, तब क्या होता है फोकस जो होता है मल्टीपल फोकस पॉइंट बनता है। इमेज कैसे बनता है, एक पॉइंट बनना चाहिए फोकस की, पर ये मल्टीपल फोकस अगर बनेगा यहां पर तो इमेज तो नहीं बन सकता है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हमें चाहिए सिलिंड्रिकल लेंस। क्या चाहिए, सिलिंड्रिकल लेंस। तो एस्टिगमेटिज्म जो होता है उसे करेक्ट करने के लिए सिलिंड्रिकल ग्लासेस चाहिए। दोस्तों अगला है रेसोबायोपिया। दोस्तों ये क्या होता है, बुढ़ापे के समय आंख के प्यूपिल का साइज जो होता है वो छोटी हो जाता है, जिसके खातिर फोकस रेटिना में ठीक से नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों इसे करेक्ट करने के लिए हमें चाहिए बायोफोकल लेंस। तो ये बायोफोकल लेंस किसके लिए चाहिए, प्रेसोबायोपिया। प्रेसोबायोपिया को करेक्ट करने के लिए बायोफोकल लेंस चाहिए। ये देखिए ये है हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम, ये है मायोपिया, ये सारे जो डायग्राम होते हैं इसे आप याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे आंख के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला इंपॉर्टेंट है, हमारे जो इमेज बनता है रेटिना में वो रियल ऑन इन्वर्टेड होता है। हम अभी इसके बारे में डिस्कस किए हैं, जो भी इमेज हम देखते हैं वो रेटिना में इन्वर्टेड होता है, फिर बाद में ब्रेन में करेक्ट होता है। अगला पॉइंट है, रेटिना में जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं उनमें रॉड्स जो होता है डिम लाइट्स में यानी अंधेरे में हाईली सेंसिटिव होता है, इसमें रेडिश पर्पल पिगमेंट होने से इसे रोडोस्पिन कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोडोस्पिन किसे कहते हैं, रॉड्स में जो रेडिश पर्पल पिगमेंट होने से इसे रोडोस्पिन कहते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, नाइट विजन में रॉड्स मोस्टली इन्वॉल्व रहता है, और ये रॉड्स एंड कोन्स कहां पर पाई जाती है, रेटिना में। दोस्तों कोन्स क्या करता है, कोन्स ब्राइट लाइट में हाईली सेंसिटिव होता है। रॉड्स जो होता है वो नाइट्स में, पर कोन्स जो होता है वो लाइट्स में, ब्राइट लाइट में। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है फोविया। ये देखिए फोविया सेंट्रलिस जो होता है वो सरफेस्ट विजन होता है। हम इंटरनल स्ट्रक्चर में बात किए थे कि फोविया कहाँ पे है, मैकुला में। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये है मैकुला और इसके बीच हिस्से को बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। और ये जो एरिया होता है, इस पार्ट जो, ये पार्ट जो होता है आंख के, सरफेस्ट विजन होता है। देन नेक्स्ट वन इज ब्लाइंड स्पॉट हैज नो रॉड्स एंड कोन सेल्स। ये भी हम डिस्कस किए थे, यहाँ पर जो ऑप्टिक डिस्क होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पर इमेज क्रिएट नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर ना रॉड्स होता है ना कोन्स होता है, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। दोस्तों अगला है, एक नॉर्मल आई के लिए रेंज ऑफ विजन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होता है, क्लियर। दोस्तों और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे जो आंख में आता है वो एक ग्लैंड के जरिए निकलता है, उसके बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है वो यहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, और जिसके खातिर हमारे आंसू निकलता है। दोस्तों अगला है कॉलर ब्लाइंडनेस यानी रंग दृष्टिहीनता को डेल्टोनिज्म कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका कॉज हमने अभी डिस्कस किए थे वो है कोन्स।
तो कोन्स जो होता है डेल्टोनिज्म के कॉज होता है, जो कि कॉलर ब्लाइंडनेस होता है। दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस यानी रातों को जो अंधापन होता है वो किससे होता है? रोडोस्पिन यानी रॉड से होता है, जो कि सफेद और काले रंग को सेंसिटिव होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, आउल की जो रेटिना होती है उसमें ओनली रॉड्स पाई जाती है। जो उल्लू होता है उसमें रॉड्स पाई जाती है और फॉल में जो पाती है ओनली कोन्स। यानी आउल जो होता है वो रात के लिए हाईली सेंसिटिव होता है और फॉल जो होता है वो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसमें कोन्स पाई जाती है ना कि रॉड्स। दोस्तों अगला पॉइंट है, जितने भी कैर्निवोरस लाइक कैट, डॉग, आयरन सी, एक्सेटोनिन नाइट, उनके आंख चमकते क्यों हैं? क्योंकि उनके आंख में टैप्टम लुसिडम होता है। क्या होता है? टैप्टम लुसिडम के वजह से उनके आंख चमकता है। आप देखे होंगे नाइट में जितने भी जो कैर्निवोरस लाइक बिल्ली, कुत्ते, इनके आंख चमकता रहता है। ये किसके लिए? टैप्टम लुसिडम के लिए। देन नेक्स्ट वन, आईज आर मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन कलर। हमारे जो आंख होता है वो मोस्ट सेंसिटिव किस रंग से होता है? येलो एंड ग्रीन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे जो बी होता है, बीज होते हैं, वो अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकते हैं। कौन देख सकता है? बीज अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकते हैं। देखिए हमारी आंख जो है वो एक कैमरा की तरह होता है, तो कैमरा की कौन सी पार्ट हमारे आंख के कौन सी पार्ट से समान काम करता है, आप उसे याद रखना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस टेबल को चाहे एक बार हो या 10 बार देख के याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे कि फिल्म जो होता है वो रेटिना के समान होता है, डायफ्राम जो होता है आइरिस, एपर्चर, प्यूपिल, लेंस जो होता है वो आंख की लेंस के बराबर होता है, ब्लैक पेंट जो होता है वो कोरोइड, एंड बॉक्स जो होता है स्क्लेरा के। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझा, ह्यूमन आई के बारे में अच्छे से डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंस ऑर्गन का, जो कि बायोलॉजी के टॉपिक है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आराम से ये टॉपिक भी बहुत परफेक्ट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इसे आराम से सॉल्व कर देंगे। ये साइंस में जो होता है हमारी जो सेंस ऑर्गन उनमें से आँख के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो जो हम टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, जितने भी हम बायोलॉजी के पढ़ते जा रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।